हे क्रिएटर, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से आपके वीडियो के लिए यूट्यूब कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई होता क्या ना, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, चैनल बना लेते हैं, वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं, फिर भाई कुछ दिन बाद बोलते यार ना वीडियो पे व्यूज आ रहा है, ना ही चैनल ग्रो हो रहा है, ना ही सब्सक्राइबर मिल रहे, तो कैसे मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने अभी तक कैटेगरी को सिलेक्ट ही नहीं किया है ना। गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने यूट्यूब वीडियो के लिए कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है यार, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करना एंड यार वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना। ठीक है, तो चलो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। देखो भाई, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए ना आपके फोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम होता है YT स्टूडियो एप्लीकेशन। YT स्टूडियो एप्लीकेशन जो भी क्रिएटर है ना उसके फोन में होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके फोन में YT स्टूडियो एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग जाओ प्ले स्टोर पे, वहां से YT स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके चुपचाप से यहाँ पर आ जाओ एंड पूरा वीडियो कम्प्लीट देखो, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमारा फोन का स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सबको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना, YT स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसके बाद करना ओपन करना। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो जैसे ओपन करूंगा ना कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मेरे सामने खुल के आ जाएगा। अब देखो भाई, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा तो अभी क्या करना है, यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आप लिखेगा कॉन्टेंट, तो चुपचाप से आपको कॉन्टेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं कॉन्टेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ना तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के मेरे सामने आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको जिस वीडियो के लिए कैटेगरी को सिलेक्ट करना है चुपचाप से उस वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक मेरे पास देखो यहाँ पर कार्स एंड व्हीकल, मुझे इसके लिए कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा चुपचाप से इसकी इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखो भाई, सबसे टॉप में सबसे ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है क्या, पेंसिल का आइकन, तो चुपचाप से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं पेंसिल के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या लिखा हुआ है हमारा हमारा पब्लिक, पब्लिक के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो नॉट, इट्स नॉट मेड फॉर किड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एड टू प्लेलिस्ट। उसके नीचे सबसे नीचे आप लोग देखो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, टैग, फिर लिखा है शॉर्ट, फिर लिखा है रेमिक्स, फिर लिखा है कैटेगरी, है ना, लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है। तो चुपचाप से आपको इसी के ऊपर चुपचाप से क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, सबसे टॉप में है टैग, टैग के बाद क्या है हमारा यहाँ पर एलो वीडियो एंड ऑडियो रेमिक्स। उसके बाद आता है कैटेगरी, तो चुपचाप से आपको कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं कैटेगरी पे सिलेक्ट करता हूँ ना तो यहाँ पर देखो चूज अ कैटेगरी, मतलब यहाँ से आप लोग अपने वीडियो के लिए कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ देखो यहाँ पर टोटल 15 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। मान लो कि मेरा जो वीडियो होगा वो आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी को चुपचाप से सिलेक्ट करूंगा। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो हमारा एक कट जाएगा, फिर क्या करना है आपको बैक आना है। देखो यहाँ पर लिखा ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी, मतलब आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी सिलेक्ट हो चुका है। फिर क्या करना आपको, इधर एरो पे क्लिक करना, बैक आना। तो जैसे मैं बैक आऊंगा तो देखो भाई अभी तक सेव नहीं हुआ है, अगर आप काट दोगे ना तो आपका कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होगा। अभी क्या करना है, अभी आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा ना, सेव का ऑप्शन सबसे कॉर्नर में है ना राइट साइड में, तो आपको क्या करना है सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना तो देखो लोडिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा वीडियो सेव्ड, मतलब आपके वीडियो के लिए कैटेगरी जो है सेव्ड हो चुका है, समझा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपके वीडियो के लिए आपको कैटेगरी को चुपचाप से सिलेक्ट करना है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग किस तरीके से YT स्टूडियो एप्लीकेशन की मदद से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आप लोग किस तरीके से आपके वीडियो के लिए कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना जिससे उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।